अगर मैं नाम मिलूं तो समझना मैं पकड़ी गई। मेरे लिए रुकना मत, तुम चले जाना। सर, प्लीज टेक योर सीट। राम, हे, ध्यान से सुनो। डायरेक्टली गांधी हॉस्पिटल पहुंचो। डॉक्टर सविता, भूलना मत। हे, शर्मिला। एक्सक्यूज मी डॉक्टर सविता, फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू वार्ड में। थैंक्स। Yes, आपको किससे मिलना है? डॉक्टर सविता। हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। हेलो, मैं शर्मिला का दोस्त हूँ। शर्मिला? कौन शर्मिला? अरे वही शर्मिला जो पेरिस में रहती है, मेडिकल स्टूडेंट है आपकी दोस्त। सॉरी, यहाँ कोई शर्मिला नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। वैसे आईसीयू में आना मना है, आप बाहर जाके बैठिए। डॉक्टर सविता आप ही है ना? हाँ मैं ही हूँ। तभी तो शर्मिला ने मुझे बताया था कि आप यहाँ मुझे। बाहर जाके शर्मिला को क्या हुआ है डॉक्टर? क्या इसका नाम शर्मिला है? आप इसे जानते हैं? बस आधे घंटे पहले मैं इसे एयरपोर्ट पर मिला था। ये इसे क्या हुआ? एक्सीडेंट केस है, एक हफ्ते पहले इसे एडमिट किया था, तब से ये कोमा में है। परेशानी ये है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एडमिट किए एक हफ्ता हो गया? तुम यही रुको, मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करती हूँ। सर, पिछले हफ्ते हमने जिस लड़की को एडमिट किया था उससे मिलने कोई आया है? थैंक गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये लड़की कौन है? तुम्हारी तरह दिखती है। मैं तुम्हें इतनी दूर से यही दिखाने के लिए तो लाई हूँ राम। तुम्हारी बहन है। इसकी क्या कहानी है? मैं भी तुम्हारी ही तरह जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड की पोजीशन की वजह से मुझे टाइट सिक्योरिटी में रहना पड़ता था। उनके इसी स्टेटस की वजह से मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई। दो हफ्ते पहले डैड किसी कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका गए। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और माधव अंकल की मदद से सिक्योरिटी को चकमा देकर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ी। तभी मैंने डीके को इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट सईद के साथ देखा। डीके ने मुझे वहां देख लिया था और उसने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करना शुरू किया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? तुम किसी और को फोन मत करना, क्योंकि सारा सिक्योरिटी नेटवर्क उसी के कंट्रोल में है। और डैड को तो इन्फॉर्म ही मत करना, वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। तुम नहीं जानती बेटा, डीके को मुझ पे भी शक है। तुम्हें निकालने के चक्कर में मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? माधव अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। उन दरिंदों ने देखा तो नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। शुक्र है, आ जाओ। माधव अंकल को लगा कि पेरिस में रुकना मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे इंडिया भेजने का इंतजाम किया।
ये लो डुप्लीकेट पासपोर्ट, ये कल्पना के नाम से है। मेरी बात मानो बेटा, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। घंटे भर में हैदराबाद के लिए फ्लाइट है, वहाँ एयरपोर्ट पे तुम्हें मेरा दोस्त पीटर आके पिकअप कर लेगा। फिर तुम उसी के फोन से मुझसे बात कर लेना। याद रखना, अपने फोन से तुम्हें सर या किसी को भी फोन नहीं करना है, नहीं तो डीके पकड़ लेगा। अगर इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ हमारे आदमी सब संभाल लेंगे। ए केड़ी, नमस्ते सर। यहाँ पे क्या कर रहा है? फॉरेन से मेरी कजन आ रही है। जेल से छुट्टी मिले तुझे अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, क्या नया बिजनेस शुरू कर दिया क्या तूने? इस बार किसे फंसा रहा है तू? माइक्रोसॉफ्ट। इसे तूने कब ज्वाइन किया? जेल से रिक्रूटमेंट हुआ है क्या? लकीली मुझे वक्त पर पता चल गया कि माधव अंकल ने जिसे भेजा था वो एक क्रिमिनल था। मैं उससे नजरें बचाकर वहां से भाग निकली। टैक्सी, जल्दी चलिए प्लीज, नहीं तो अंदर कर दूंगा। ठीक है सर। उल्लू को पट्टा, एन मौके पर आ गया। हे हे गिरी, गाड़ी निकाल। ये तो मर रहे भाई। सारे सपोर्ट मिटा दो। ठीक है चलो। ये लीजिए। चल रहे। जरा जाकर देख लड़की मरी है या नहीं। सर कान से खून निकल रहा, मर गई होगी। मैं मरी नहीं जिंदा हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें ये सब करके क्या मिला? भाई पुलिस की गाड़ी आ रही है। चल चलेगा। सर मर गई सर। इसे हॉस्पिटल ले चलो। उन्होंने मुझे और ड्राइवर को मौकाए वारदात पर ही मरा घोषित करके हमारी बॉडीज को मुर्दा घर में भेज दिया। मैं भी जिंदा हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जिंदा हूँ डॉक्टर। प्लीज प्लीज उन्हें रोकिए। उन्हें कहीं मुझे ना ले जाए प्लीज डॉक्टर। गिरी क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट केस मैडम, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिंदा लोगों की तो कदर है नहीं, कम से कम मरे हुए लोगों की तो कदर करो। ओह माय गॉड, ये तो जिंदा है, इसे तुरंत आईसीयू में लेके चलो। और इस तरह डॉक्टर सविता ने मुझे आईसीयू में शिफ्ट करके इलाज शुरू कर दिया। मैंने ये सारी बातें डैड को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। शर्मिला के दोस्तों से इंक्वायरी की थी, वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। डैड उसकी बात मत सुनिए, वो आदमी झूठा है। उसको आजादी चाहिए थी, वो कहीं आसपास ही होगी। अगर ये बात सबको पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, नहीं। हम उसका थोड़ा और इंतजार करते हैं। नहीं डैड, डैडी, नहीं, मैं यही हूँ डैडी। अगर कहीं हड़बड़ी में तुमने उसे यही मार दिया होता तो हम आसानी से पकड़े जा सकते थे। शुक्र है कि उसका बाप उसके गायब होने को उसकी आजादी मान रहा है। मेरे इस हादसे के पीछे डीके और माधव अंकल की गहरी साजिश थी, लेकिन मेरी आवाज कौन सुनता? इंडिया के एक सरकारी अस्पताल में मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तभी उस आवाज ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। अरबों लोगों से भरी इस दुनिया में किसी ने मुझे आवाज दी थी। एक सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे देखा था। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि मुझसे बात भी की। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं सारी बातें तुम्हें तुरंत बता दूं। पर क्या तुम्हें यकीन होता? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो देती। इसलिए मैं तुम्हें इतनी दूर यहाँ ले आई कि शायद सच्चाई देखकर तुम मेरी बात पर यकीन कर पाओ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये मैं ही हूँ राम।
आज जो हो रहा है ना, इस दुनिया में कई लोग हैं, तो सिर्फ मैं ही तुम्हें क्यों देख सकता हूं, मैं ही तुम्हें क्यों सुन सकता हूं? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पाई हूं, क्या वजह हो सकती है? इन दोनों को नहीं पता कि इनका मिलन पिछले जन्म का है। आइए देखते हैं। आर्ट्स कॉलेज। अरे निधि, तुम्हारे प्रोजेक्ट पेपर मेरे पास रह गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज। तेरा दिल पत्थर का है क्या? 3 साल से वो बेचारा हर रोज उसी बस स्टॉप पे खड़ा रहता है, पर तू है कि उसे नजर उठाकर देखती तक नहीं। वो इतना भी तो बुरा नहीं है। मेरी बात सुन रही है कि नहीं? मैं कब से बोले जा रही हूँ तू है कि मुंह पे ताला लगाए रखी है? क्या तू उससे प्यार नहीं करती? नहीं तो? तो फिर तुझे उस लड़के को साफ साफ मना कर देना चाहिए। मैं उसे देखती भी नहीं हूँ। तो एक काम कर, उसे डायरेक्टली कह दे कि तू उसे नहीं चाहती, वो बेकार में अपना टाइम ना खराब करे। ऐसा नहीं है। मतलब? मुझे डर है कि अगर मैंने उससे बात की तो मुझे उससे प्यार हो जाएगा। ओहो, तो तू चाहती है कि वो रोज इसी तरह खड़ा रहे, सेल्फिश कहेंगी। सही कहा, सेल्फिश ही हूँ। पापा नहीं है, 2 छोटी बहनें हैं, माँ की उम्मीद मैं ही हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मुसीबतें झेली हैं, ऐसे हालात में मैं उन्हें। सॉरी निधि, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो रोज बस स्टॉप पर तेरे लिए इंतजार ना करे। चुप रहकर तू उसके मन में प्यार की उम्मीद मत जगा। पिछले 3 साल से वो तेरे लिए बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा है, और कल कॉलेज का आखिरी दिन है। देख, तेरा हीरो तुझे देख रहा है, कम से कम एक बार तो उसे देख ले। उस तरफ मत देखो। यार बताओ ना, वो मेरी तरफ देखती क्यों नहीं? कोई आइडिया बताओ। तू ये ले। पागल है क्या? उसने अजय देखा। पर तुझे देखा?
कृष्णा है। बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा उधार मैं नहीं दे सकता। जल्दी बताओ मेरे पैसे कब लौटाओगी। जाओ यहां से। बुर्का पहन के लेडीज बस में चलता है, लफंगा कहीं का? चल बाहर, चल चल निकल। सर प्लीज सर, बोला नहीं निकल। कॉलेज का लास्ट दिन है, ये आखिरी बार है। बस बस उससे बात करके उतर जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरी बात तो सुनिए। मैं बस एक बार बात करना चाहता हूँ। कृष्णा कहाँ है? तुझे बचाते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। मुझसे गलती हो गई, मुझसे